हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक मदरबोर्ड ऑर्डर किया था ऑनलाइन, जो कि आसूस की तरफ से है, आसूस Z170 प्रो गेमिंग। और ये 6th जनरेशन विंडोज़ के और इंटेल के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। CPU सपोर्ट LGA115 चिपसेट पर, विंडो 10 ये सपोर्ट करता है। हालांकि थोड़ा ये पुराना मदरबोर्ड है गाइज, लेकिन इसके फीचर्स देखें तो ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी पोर्ट्स वगैरह इसमें दिए हैं। तो पहले मैं आपको उसको बाहर से ओवरव्यू दिखा देता हूँ, साइड्स में देख सकते हो। ये कुछ अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है। अच्छा, और पीछे की साइड देखते हैं गाइज, कुछ ऐसा है। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। CPU LGA115, कोर i7 6th जनरेशन प्रोसेसर, इंटेल के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। DDR4 64 GB सपोर्ट और USB 3.0, सारे ही जो एडवांस फीचर है गाइस सारे ही इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये देखिए गाइस, पोर्ट सारे के सारे पोर्ट दे रखे हैं गाइस, कोई भी पोर्ट खाली नहीं छोड़ा, देख सकते हैं आप। और फुल ATX बोर्ड है गाइज, ये स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है, तो मैंने तभी से ऑर्डर किया। 3.0 SLI ब्रिज सपोर्ट भी है इसमें, ये रहा। तो काफ़ी लेटेस्ट है गाइज, तो चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है। मैंने काफ़ी मदरबोर्ड देखे गाइज, MSI के, गीगाबाइट के, तो फाइनली मुझे यही रिव्यूज़ के बाद यही पसंद आया, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। आप कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे स्पेशली अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया, आपको कोई और लगे तो आप। तो सबसे पहले हमें ये मदरबोर्ड दिखता है, इसे हम साइड रख देते हैं एक बार, बॉक्स को देखते हैं क्या है बॉक्स में। तो बॉक्स में हमें एक बुकलेट मिलती है, क्या है इसमें देखते हैं, इसमें पता नहीं कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे गाइस, इसे साइड में रखते हैं। फिर हमें एक बुकलेट मिलती है, इसमें कैसे यूज़ करना है सब पूरा इंस्ट्रक्शन है गाइस, कैसे फ़ैन लगाना है, कैसे CPU लगाना है, जो भी है इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें ये शील्ड मिलती है, जो इनपुट आउटपुट शील्ड, जो कि CPU कैबिनेट के पीछे लगती है, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी अच्छी है गाइस, जैसे प्रिंटिंग के साथ दी है, प्रो गेमिंग लाइक। उसके बाद ये SLI ब्रिज है गाइस, SLI ब्रिज, अगर आपको दो ग्राफिक कार्ड पैरेलल में लगाने हैं तो वो भी ये सपोर्ट करता है। तो ये उसके लिए, ये गाइस CPU पर, जो CPU को जब हम लगाते हैं तो उसको एकदम गाइड करने के लिए गाइड है ये, इसकी भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली इसमें लगा सकते हैं, फिर भी कंपनी ने दे दिया है। उसके बाद ये लेबल है गाइस, कौन सी केबल कहाँ जा रही है, अगर आपको इंडिकेट करना है पर्टिकुलर तो आप उसको स्टिकर, एक तरह से स्टिकर लगा सकते हैं। एडिशनल चीज़ दी है कंपनी ने, जैसे कि यहाँ दिखा भी रहा है, ऐसे से आप किसी पर्टिकुलर के लिए SSD के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, तो ये मेंशन कर सकते हैं, और बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। उसके बाद ये गाइज, ये जो मदरबोर्ड में M2.0 वाली SSD लगती है, उसके लिए स्क्रू है। उसके बाद ये फिर से एक मैनुअल दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन के लिए, इसे भी साइड में। उसके बाद ये ड्राइवर CD है गाइस, इसे आपको इंस्टॉल करना होगा वरना ऑडियो वगैरह काम नहीं करेंगे, ये भी है। उसके बाद ये साटा केबल्स है गाइस, दो साटा केबल CA और दो साटा केबल CA, तो चार साटा केबल्स टोटल दिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इस बॉक्स को साइड में रखते हैं, इन सबको भी साइड में रख देते हैं गाइस। मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं ऐसा कुछ मदरबोर्ड है, ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसके इनपुट आउटपुट देख लीजिए गाइस, इसमें PS2, USB 2.0, HDMI, VGA एंड DVI एंड साटा और USB टाइप सी,
एंड ऑडियो, ऑप्टिकल आउटपुट, ऑडियो सभी प्रकार के इसमें इनपुट आउटपुट गाइस दिए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है गाइस, पूरी जगह को यूज़ किया है कंपनी ने, कोई भी जगह छोड़ी नहीं है। इतने सारे पोर्ट आपको गाइस आप चेक कर सकते हैं, आपको 20 से 25 हज़ार के मदरबोर्ड में मिलेंगे, जबकि इसमें ये दे दिए, इसकी प्राइस लगभग गाइस 14,000 का मुझे पड़ा है। ये प्राइस ऊपर नीचे होती है, होती रहती है गाइस, वो चेक कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर ये LED की स्ट्रिप भी दी हुई गाइस, ये जो ब्राउन कलर की आपको दिख रही है ये LED स्ट्रिप है, जब ये ऑन होगा तो ये स्ट्रिप ग्लो करेगी। बाकी बीच में भी इसमें LED दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रो गेमिंग, स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है। ये इसके साटा के पोर्ट्स देख सकते हैं आप, और ये इसके M2 डॉट का सॉकेट, जो स्क्रू आपको मैंने दिखाया था वो यहाँ लगेगा गाइस। और ये नीचे के पोर्ट्स, USB 3.0, ऑडियो, पावर स्विच वगैरह वगैरह सब है, आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है गाइस, और ये स्पेशली जर्मन डिज़ाइन कैपेसिटर का यूज़ किया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रैम स्लॉट है, DDR4 3200 MHz तक सपोर्ट करते हैं। ये इसका CPU का सपोर्ट, CPU जैक, यहाँ CPU लगेगा। तो इस तरह का कुछ पीछे से देख लेते हैं, कुछ खास वैसा नहीं है। ये इसके सीरियल नंबर है, अच्छा सीरियल नंबर गाइस जी, हाँ यहाँ पे। तो इस तरह का मदरबोर्ड है गाइस, मैंने ये गेमिंग के लिए ऑर्डर किया है, इसमें सारे गेमिंग के सारे फीचर्स एडवांस भी कुछ दिए हैं, वो जब BIOS हम ऑन करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए मैं खाली आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो चलिए, मैं PC बिल्ड करने के बाद भी आपको, अगर आपको PC बिल्ड के और भी कंपोनेंट का रिव्यू देखना तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने एक एक करके सारे डाल रखे हैं, PSU, RAM वगैरह सब। तो ये है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये मदरबोर्ड मंगाना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं PC बिल्ड के सारे कंपोनेंट का रिव्यू कर रहा हूँ, और PC गेमिंग PC भी बना रहा हूँ। तो आप देखना चाहते हैं कैसे बनाते हैं, क्या है, कितने और मतलब प्राइस लगता है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।